बट दिस वॉज मोर और लेस द फेस जो हर एक बारसा फैन का था आफ्टर सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ बार्सिलोना इन द 4-1 लॉस टू PSG. बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉन्ट्रीब्यूट की थी. आई थिंक किलियन एम्बापे हैड अ लेजेंडरी गेम. एक स्टैट है, बहुत रैंडम स्टैट है, कि इन मेसीज बार्सिलोना, मतलब जिस भी मैच में मेसी खेला है, कोई भी प्लेयर ने आज तक कैंप नाउ पर हैट्रिक स्कोर नहीं की है अगेंस्ट मेसीज बार्सिलोना, एंड किलियन एम्बापे इज द फर्स्ट प्लेयर टू डू सो. तो भाई क्लैप्स, उसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते फॉर द परफॉर्मेंस दैट किलियन एम्बापे एंड PSG की पूरी स्क्वाड ने कल दी है एट कैंप नाउ. इसी परफॉर्मेंस को हम थोड़ा सा भी ब्रेक डाउन करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कहाँ पे चीज़ें गलत चली गई बार्सिलोना के लिए, कहाँ पर चीज़ें अच्छी हो सकती थी, एंड क्या डिफरेंसेस या क्या छोटे से छोटे चेंजेस से बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल सकती थी इस मैच में. सो भाई विद दैट सेड इज ऑलवेज लेट्स बिगिन. तो भाई अगर हम सबसे पहले बात करें गेम के XG की, क्या वो डिजर्व्ड विक्ट्री थी या नहीं थी, तो बारसा का XG था 1.67, जिसको बारसा ने अंडर परफॉर्म किया एंड एक गोल स्कोर किया. अब अंडर परफॉर्म क्यों किया तुमको पता ही है, बिकॉज ग्रेजमैन हैड टू गुड अपॉर्चुनिटीज एंड डेम्बेले के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी विच ऑब्वियसली डेम्बेले मिस्ड. वहीं अगर हम PSG की बात करें तो PSG की XG थी 3.13, जिसको उनने ओवर परफॉर्म किया है एंड दे हैव स्कोर्ड 4 गोल्स. तो दैट मीन्स बेसिकली कि PSG वर वेरी गुड एंड वो लोग ने गोल्स स्कोर किए, वो लोग ने अपनी अपॉर्चुनिटीज ली एंड उनको क्रिएट किया. अब जरा सा बात करते कि भाई वॉट वॉज सो गुड अबाउट PSG एंड वॉट वॉज सो बैड अबाउट बारसा. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की इस गेम में, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट, जनरली बारसा एक ऐसी टीम है जो हाई प्रेस करती है, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन सबको प्रेस करती है ना. दे स्टार्ट प्रेसिंग फ्रॉम द कीपर ऑल द वे टू सेंटर बैक्स एंड मिडफील्डर्स. बट इस गेम में ये चीज़ मुझे नहीं दिखी. मोस्ट ऑफ द टाइम बारसा एक 4-5-1 मिड ब्लॉक में बैठी हुई थी. मेसी ऊपर अप टॉप था एंड मेसी भाई क्या अकेला प्रेस क्या करेगा, वो कर भी नहीं रहा था एंड करे भी तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है करके उसको, बिकॉज ऑब्वियसली न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी है, 2-1 है वहाँ पर, बीट हो जाएगा मेसी, इट्स वेरी सिंपल. अब लेकिन इस वजह से क्या हो रहा था, इज द सेंटर बैक्स ऑफ PSG मार्किनियोस एंड किम्पेम्बे, उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा था वहाँ से बॉल खेलने का. एंड ये आपको इस चीज़ में समझ में आ सकता है कि अगर आपने गेम देखा है तो यूड अंडरस्टैंड कि बहुत बार बॉल बहुत ईजीली स्विच हो रही थी टूवर्ड्स मोइसी कीन, टूवर्ड्स किलियन एम्बापे एंड टूवर्ड्स कुर्जावा बहुत ज़्यादा, क्योंकि PSG ऑलमोस्ट 45% अपने टोटल अटैक्स लेफ्ट साइड से कर रही थी फ्रॉम द साइड ऑफ एम्बापे एंड कुर्जावा. एंड आई थिंक दिस वॉज द एग्जैक्ट रीजन वाई कुर्जावा वॉज बॉट इन टू प्ले इन दिस गेम. जनरली क्या हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली बारसा प्रेस नहीं कर रही थी एंड दे वर मेंटेनिंग अ मिड ब्लॉक, तो विथ टू सेंटर बैक्स जो फुल बैक्स थे PSG के, वो दोनों हायर अप मूव कर जा रहे थे बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ सुपीरियोरिटी 1-2. एंड अगर कुछ इशू होता है तो उनके पास 2 पिवट्स हैं, वो दोनों जल्दी से जल्दी वापस आके कवर कर सकते हैं. एंड दिस मूवमेंट ऑफ कुर्जावा हिम गोइंग अप ही वो चीज़ थी जिस वजह से किलियन एम्बापे इनसाइड आ पा रहा था एंड फ्रॉम द राइट मोइसी कीन इनसाइड आ पा रहा था. तो ये दो फुल बैक्स एंड ये दो विंगर्स ऑलमोस्ट एज इनसाइड फॉरवर्ड्स फंक्शन कर रहे थे. अगर आपने चेल्सी का एनालिसिस देखा है तो आप अच्छे से समझते होंगे इनसाइड फॉरवर्ड्स क्या होते हैं. तो क्योंकि ये दोनों इनसाइड फॉरवर्ड्स कर रहे थे, डेस्ट को बहुत ज़्यादा पीछे रुकना पड़ रहा था इन ऑर्डर टू डील विथ एम्बापे, क्योंकि हमको पता है भाई डेम्बेले नहीं करेगा डिफेंसिव वर्क उतना ज़्यादा, ना ग्रीज़मैन उससे डिफेंसिव वर्क करेगा. बट जॉर्डी अल्बा वॉज ओके, ही वॉज साउंड एटलीस्ट, ज़्यादा उसके साइड से अटैक नहीं बन पाया. बट लुकिंग एट दिस साइड भाई किलियन एम्बापे कतई कतल फॉर्म में था. इसकी वजह से डेस्ट का तुम एवरेज पोजिशन देखो तो ही इज अलॉन्ग विद द डिफेंस, वो 3 एट द बैक बना रहे थे ताकि न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी बना सके पीछे में. बट हाउ डू यू स्टॉप अ प्लेयर लाइक एम्बापे जब वो फॉर्म में हो एंड जब वो मूड में हो. भाई क्यों कैंप नाउ के बाहर गाली दी, अभी बारसा फैंस सोच रहे होंगे क्यों ये चीज़ उनने की. सच में ऑन अ वेरी सीरियस नोट भाई, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, बट जो भी हुआ. अब एक बहुत रिडिकुलस स्टैट है एम्बापे के इस गेम के बाद, वी नो उसने हैट्रिक स्कोर की, बट ही हैड 10 ड्रिबल्स इन दिस गेम, 10 कंप्लीटेड ड्रिबल्स, फेल ड्रिबल्स की तो बात ही नहीं कर रहा. एंड दैट इज रिडिक्युलस बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ एनी प्लेयर, 10 ड्रिबल्स. एंड बात करते हैं हम PSG की, तो भाई PSG वर कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग बिकॉज
प्रेशर था नहीं फर्स्ट लाइन पे बारसा पीएसजी के डिफेंसिव लाइन पे, इन कीपर्स पे प्रेशर बिल्कुल नहीं था, दे आर वेरी कंफर्टेबल गोइंग अप लॉन्ग। मुझे लगता है पोचेटिनो ने ये चीज समझ ली थी कि बारसा बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करेगी फ्रॉम द फ्रंट, दैट इज वाई ही बॉट इन इकार्डी, एंड इकार्डी उस पोजिशन में एज अ सॉलिड मैन एज अ टारगेट मैन खेल रहा था, वो बॉल रिसीव कर रहा है बिकॉज ही इज गुड इन द एयर एंड ही वन द मोस्ट कंटेस्टेड डुअल्स इन एयर, 3 कंटेस्टेड डुअल्स उसने इसमें जीते, एंड ही वॉज सेटिंग अप एम्बापे, ही वॉज सेटिंग अप अदर प्लेयर्स टू गो इन एंड हैव द क्रैक। तो भाई अगर हम फर्स्ट गोल की भी बात करें तो इट वॉज वेरी सिमिलर, सेंटर बैक बॉल को स्विच करता है टुवर्ड्स कुर्जावा, एम्बापे इनसाइड फॉरवर्ड की पोजिशन पर जाता है, कुर्जावा क्रॉस करता है टू वेराटी, वेराटी फ्लिक्स इट फॉर एम्बापे, एम्बापे अब सेंटर फॉरवर्ड पोजिशन पे है, बीट्स अ प्लेयर नियर पोस्ट, ब्लास्ट कर देता है बॉल को। सो वॉट वी अंडरस्टैंड हियर फ्रॉम दैट गोल, इवन आप फोर्थ गोल की बात कर लो, काउंटर अटैक, एम्बापे बहुत क्विकली मूव कर रहा है, ड्रैक्सलर प्लेज अ ब्यूटिफुल बॉल राइट इन द पाथ ऑफ एम्बापे विच ही फिनिशेज 4-1, 3-1 आई थिंक थर्ड या फोर्थ गोल था, आई एम नॉट श्योर, बट एम्बापे का हैट्रिक गोल था वो। आई मीन बहुत सारे ऐसे गोल्स के तुम एग्जाम्पल देख सकते हो जहां पर ये चीज हुई, ऑलमोस्ट 4 में से 3 गोल तो ऐसे ही हुए जब बॉल एक इजिली स्विच हुई फुल बैक की तरफ, या फिर बॉल एक बहुत इजिली मिड से प्ले हुई बिकॉज देयर वॉज नो प्रेस टू द फर्स्ट लाइन, आराम से एक लाइन ब्रेकिंग पास मिला एंड दैट्स इट। वहीं अगर हम पीएसजी की बात करें कि डिफेंसिवली पीएसजी क्या करने की सोच रही थी, दे वर प्रेसिंग, ऑब्वियसली दे वर प्रेसिंग वेरी हाई, एंड पीएसजी की एक चीज जो तुमको बहुत अच्छे से दिखी होगी कि व्हेन इट वाज द डिफेंसिव फेज तो वो एक 4-4-2 में आ जा रहे थे, एम्बापे वाइट चला जा रहा था, मोइसे कीन वाइट चला जा रहा था, बट वेराटी और इकार्डी ऊपर आ जा रहे थे, एंड इट वाज नॉट एक्चुअली इकार्डी गोइंग अप या फिर वेराटी गोइंग अप, इट वाज एक्चुअली इकार्डी कमिंग बैक अलॉन्ग विद वेराटी टू मेक इट अ 4-4-2, हाई प्रेसिंग बट विथ अ डिफेंसिव फॉर्मेशन, रिमेंबरिंग दैट अगर काउंटर होता है तो हमारे 2 पिवट्स वहां हैं सेव करने के लिए, दैट मीन्स पीएसजी हैड इट ऑल थॉट आफ्टर। वहीं अगर कोमैन की बात करें तो यार आई एम नॉट श्योर इफ प्लेइंग पीके वॉज द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि देखो नो हेट टू हिम बट आई डोंट थिंक पीके अपने मोस्ट शार्प पे था इस गेम में, डेस्ट की मैं ज्यादा गलती नहीं दे सकता, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट वन वर्सेज किलियन एम्बापे विद कुर्जावा ओवरलैपिंग, कुछ ज्यादा तुम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वहीं अगर हम बात करें फ्रॉम द राइट, आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद एल्बा, एंड इस गेम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है मेरे हिसाब से, लॉन्गले तो यार छोड़ ही दो उसको, वॉट एवर ही कैन डू अब उसके बारे में क्या बात करूं, बट एक चीज जो मुझे बहुत बुरी लगी है इज नीदर डेम्बेले नॉर ग्रेजमैन दोनों डिफेंसिवली मुझे लॉश लगे, एस्पेशली इन द सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में लगा थोड़ा कर रहे हैं बट इन द सेकेंड हाफ बोथ ग्रेजमैन एंड मॉइस डेम्बेले पूरे तरीके से लॉस्ट लगे डिफेंसिव ड्यूटीज को फॉलो करने के लिए, एंड दैट इज वॉट गेव पी एस जी दी अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड एंड ग्रैब गोल्स, ग्रैब मोर अपॉर्चुनिटीज। आई रियली फील, देखो एक लास्ट चीज बिफोर वी फिनिश दिस वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसको टैक्टिकल कन्फ्यूजिंग नहीं बनाना चाहता, पी एस जी की एक बार एवरेज पोजिशन देखो, ठीक है तुम एक चीज समझोगे कि किलियन एम्बापे बहुत हाई है, जैसे अभी अभी हमने बात की कि उसके इस हाई और उसके इस अटैकिंग थ्रेट को डिफेंड डील करने के लिए सर्जिनियो डेस्ट आ रहा था एंड ही वॉज स्टेइंग बैक, वो ओवरलैप नहीं कर रहा था, दैट मीन्स एक साइड से बारसा को विथ प्रोवाइड कर रहा था डेम्बेले एंड दूसरे साइड से प्रोवाइड कर रहा था जॉर्डी एल्बा। क्या समझ में आ रहा है? अनबैलेंस, बैलेंस नहीं है टीम के अंदर, इनबैलेंस अनबैलेंस जो भी होगा, बैलेंस नहीं है टीम के अंदर, एंड जब बैलेंस नहीं होता टीम्स के अंदर तो एक साइड को सामने वाली टीम हमेशा एक्सप्लॉइट करती है। पीएसजी केम इन विद दिस थॉट, बैलेंस नहीं है, ओवर कमिट करेगा डेम्बेले, दे न्यू दिस थिंग, बारसा काफी टाइम पे ओवर कमिट करी थी, जैसे ये स्क्रीनशॉट देखो मैंने फुटबॉल मेड सिंपल के चैनल पे मुझे मिला है, बट ये देखो इस अटैक में किलियन एम्बापे इज अप बट बारसा ओवर कमिट कर चुकी है एंड दिस फाइनली लीड्स टू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो ओवर कमिट कर रही थी बारसा, दे वर अनएबल टू टेक केयर ऑफ एम्बापे, क्योंकि भाई हैट्रिक हीरो, ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम, पोचेटिनी सारे गोल्स उसके ओपन प्ले से आए हैं, पेनल्टी थी कि नहीं इसकी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, हमने भी काफी डिबेट्स किए थे कि भाई पेनल्टी थी कि नहीं थी, मुझे लग रहा था कि नहीं थी क्योंकि ये देखो ये इमेज के थ्रू तो यही लग रहा है कि नहीं थी, ऑल्दो देर आर पैरेलल इमेजेस जिसमें लग रहा है कि भाई थी, बट डजंट मैटर थी या नहीं थी, क्योंकि एक मोइसे कीन का हैंडबॉल था जो मेरे हिसाब से वो पेनल्टी होनी चाहिए थी बट वो पेनल्टी नहीं मिली, सो हो या ना हो इट्स ऑल इक्वल, बट वो पेनल्टी मिल भी जाती आई डोंट थिंक वुड हैव मेड मच ऑफ अ डिफरेंस इन दिस गेम, क्योंकि बारसा आफ्टर दिस स्कोर्ड द फर्स्ट गोल कंप्लीटली खत्म हो गई थी,
पीएसजी केम इनटू द मैच, पीएसजी के पास 4 अवे गोल्स है, नेक्स्ट लेग में कमबैक बहुत ज्यादा मुश्किल है, आई डो नॉट थिंक नेक्स्ट लेग में कमबैक हो पाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स फुटबॉल, वी कैन नॉट से एनीथिंग, एनीथिंग कैन हैपन इन फुटबॉल। तो भाई आई रियली होप नेक्स्ट लेग में हमको एक बेटर परफॉर्मेंस दिखे बारसा की, विन और लॉस दूर की बात है बट एटलीस्ट एक बेटर परफॉर्मेंस दिखे। तो भाई विद दैट सेड एज ऑलवेज आई होप आई हैव बॉट यू सम वैल्यू कि भाई तुमको अच्छा लगा हो, अगर तुमको अच्छा लगा है देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर लो यार, आई मीन मैसिवली हेल्प्स मी एंड तुमको भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो भाई विद दैट सेड एज ऑलवेज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन दिस इज एफ के आर साइनिंग आउट, बाय बाय।